इस तरीके से भी ऐप ना करो कि बैंक में जाओ और फॉर्म दिखा के किसी और को बोलो कि मेरा फॉर्म भर देंगे क्या। नेक्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं, कि काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि ये जो पोस्ट है ये परमानेंट है क्या, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया है कि 5 ईयर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है तो उसके बाद निकाल देंगे क्या। स्टूडेंट मनु एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। यहाँ पे कुछ क्वेरीज मैं आपके डिस्कस करने वाला हूँ। आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली पूछ रहे हो GMRC के बारे में। एक तो ये कि आपका 23rd से मेडिकल स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मेरे में तो 24 लिखा है, किसी में 25 लिखा है। तो भाई ग्रुप वाइज मेडिकल हो रहा है, और ये भी नहीं सोचना है कि जिसको पहले बुलाया गया है वो अच्छे मेरिट वाला है, वो रैंडम हो रहा है। तो ग्रुप वाइज मेडिकल होगा तो जिसमें जिसके कॉल लेटर में जो भी डेट मेंशन है उसी डेट पे जाना है। अब कुछ लोगों को लगेगा कॉल लेटर कहाँ से मिलेगा, क्योंकि मैंने देखा कुछ लोग कमेंट बॉक्स में महानुभाव कहेंगे ऐसे लोगों को कि वो लिख रहे हैं कि क्या इसका रिजल्ट आ गया है। कुछ लोग मुझे कह रहे हैं कि लिंक भेज दीजिए रिजल्ट का, PDF भेज दीजिए। तो देखो, आपने मिनिमम जूनियर इंजीनियर का कोर्स तो किया ही है, जूनियर इंजीनियर हो, BTEC किया हुआ है आप लोगों ने यार, तो इतना तो आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप इतना टेक्निकल तो हो जाओ। मतलब इस तरीके से भी ऐप ना करो कि बैंक में जाओ और फॉर्म दिखा के किसी और को बोलो कि मेरा फॉर्म भर देंगे क्या। मतलब इतना आपसे उम्मीद किया जाता है कि आप उनकी वेबसाइट को विज़िट करेंगे, वहाँ पर अपना रिजल्ट देखेंगे, करियर सेक्शन में जाना है, ऐसा भी नहीं कि ढूंढना है, मिल नहीं रहा है, मिल जाएगा आसानी से। रिजल्ट की लिस्ट निकाला हुआ है, उसमें आपका रोल नंबर आपको चेक कर लेना है, पता चल जाएगा आपका सिलेक्शन हुआ है नहीं हुआ है। रिजल्ट के लिए मैंने एक वीडियो भी बनाया था, कैसे आपको कॉल लेटर डाउनलोड करना है फर्दर इंस्ट्रक्शन के बाद, उसको भी बनाया था। ये सारी PDF भी टेलीग्राम चैनल पर पड़ी हुई है, और स्टिल कुछ लोगों को नहीं पता है कि इसका रिजल्ट आ चुका है, कह रहे हैं रिजल्ट कब आएगा इसका। तो मतलब इस तरीके की चीज़ें आपसे उम्मीद नहीं किया जाता, ये दिखाता है कि आप अपने काम को लेके कितना सीरियस हो। अगर इस तरीके की हरकतें आप करते हो, मतलब आप खुद के बारे में सोचिए कि आप जो कर रहे हो उसके लिए कितना सीरियस हो। खैर, अब कुछ लोगों का ये पूछना है कि मेडिकल में क्या क्या होता है, तो ये डिस्कशन नहीं करूँगा क्योंकि ऑलरेडी हमने किया हुआ है। एक इंटरव्यू भी है इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, आपको थोड़ा जमत उठा के देखना है, समझना है एक ही चीज़ को कितनी बार डिस्कस किया जाएगा। दूसरी चीज़ कि मेडिकल में जो सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला पोर्शन है वो है आपका विजन, तो विजन को लेकर वो ज़्यादा फोकस करते हैं, और स्पेशली SCTO वाली जो पोस्ट है उसमें, तो उसका भी मैंने डिस्कशन किया हुआ है। कई सारे लोग कल से पूछ रहे हैं कि मेरे में ये नंबर है, वो नंबर है, होगा नहीं होगा, जो भी है वो मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, आप देख लेना, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए था। अब किसी का कम में हो गया, किसी का ज़्यादा में होगा, वो मैं श्योरिटी के साथ नहीं कह सकता, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो मेडिकल ऑफिसर है, हर मेडिकल ऑफिसर का कुछ अलग, एक आदमी को किसी को थोड़ा माइन्यूट होगा निकाल देगा, दूसरा मेडिकल ऑफिसर उसको सेलेक्ट कर लेगा, तो थोड़ा बहुत का वेरिएशन होता है उसमें। ऐसा नहीं कि आपका मेडिकल स्टैंडर्ड एकदम मैच नहीं कर रहा और आपको सेलेक्ट कर लिया जाएगा, तो ऐसा नहीं होगा। तो ऐसे गलत फहमी में होकर आपको नहीं जाना है। पहले ही मैंने कहा था कि जिसको विजन का प्रॉब्लम होगा वो SCTO पोस्ट अप्लाई नहीं करेगा, JEE का कर लेगा, वहाँ पर ज़्यादा इशू नहीं होता है। खैर, तो मेडिकल वाला भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आप लोगों का क्वेश्चन है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लेके जाने हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर आपने रिलैक्सेशन क्लेम किया है तो आपके अपने जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो लेके जाना है, चाहे EWS का जो सर्टिफिकेट है, OBC से हो तो नॉन क्रिमिनल का जो सर्टिफिकेट है, जनरल से हो तो कोई लेके नहीं जाना आपको इस टाइप का कास्ट सर्टिफिकेट, क्योंकि आपने कोई रिजर्वेशन क्लेम नहीं किया हुआ है। बाकी आपके जितने भी डिग्री सर्टिफिकेट हैं सबके मार्कशीट, सबके सर्टिफिकेट लेके जाने हैं, सेमेस्टर वाइज हो तो सेमेस्टर वाइज, ईयर वाइज हो तो ईयर वाइज, वो सारी चीज़ें आपको लेके जानी है। कोई लोग ऐसे भी हैं कि जिनका एक आध दो सर्टिफिकेट मिसिंग है, तो कोशिश करो उसको ढूंढ लो, अगर सर्टिफिकेट अपना नहीं संभाल सकते तो बड़ा मुश्किल बात है। अगर मान लीजिए किसी अनफॉर्चुनेट कारण से कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है, तो वो रिजल्ट अगर आप ऑनलाइन निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, पॉसिबल है तो आपके कॉलेज का वहाँ पे सील और प्रिंसिपल की या डायरेक्टर की जो भी होता है आपके यहाँ पे उसके सिग्नेचर करवा लीजिए, ताकि आपके पास एक प्रूफ वैलिडिटी रहेगी कि हाँ मेरा सर्टिफिकेट ये खो गया है, मैं बनाने के लिए दिया हूँ, उसके बदले में मेरे पास ये है। तो कुछ तो अल्टरनेटिव लेके जाइए, सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं और सबका ओरिजिनल लेके जाना है। इसके अलावा एक सेट आप फोटोकॉपी भी कर लें, किसी से अटेस्ट नहीं कराना है, सेल्फ अटेस्ट कॉपी रहेगी चलेगी, कहीं पे रिक्वायर्ड होगा वो आपका फोटोकॉपी रख लेंगे। अगर आप नहीं लेके जाते हो तो फिर आपको वहाँ पे कराना होगा, ऐसा कुछ नहीं कि तुम लेके क्यों नहीं, अब तुमको सीधा घर भगा देंगे। मेडिकल में पूरा टाइम लगेगा, कुछ लोगों का ऐसे भी मैसेज आ रहा है कि जिस दिन उनका वो है उस दिन उनका एग्ज़ाम भी है कोई सा, तो एग्ज़ाम भले आपका हो बट मेडिकल में आप ये मान के चलो कि काफ़ी टाइम लग जाता है, तो वो आप देख लेना कि आपको क्या चूज़ करना है, आपका जो यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम है वो देना है या फिर GMRC देना है। अब GMRC क्यों देना है, इसी क्वेश्चन का हम आगे डिस्कशन करेंगे, क्योंकि काफ़ी सारे लोग ये पूछ रहे हैं
कि ये जो पोस्ट है ये परमानेंट है क्या, क्योंकि एडवर्टीजमेंट में मेंशन किया है कि 5 ईयर कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है तो उसके बाद निकाल देंगे क्या। आप में से काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज भी किया कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अब मैंने देखा कि टेलीग्राम ग्रुप में भी डिस्कशन हो रहा था कि क्या फ़ायदा, और सैलरी को लेकर भी डिस्कशन हो रहा था कि सैलरी क्या देंगे। हालांकि ये सारा क्लेरिफिकेशन मैंने पहले भी दिया हुआ है, दोबारा इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि अभी रिजल्ट आया है, अभी आपका साइकोमेट्रिक का टेस्ट भी बाकी है। तो अभी आप अगर आपके मन में ऐसा कुछ डाउनफॉल वाले इमोशंस आ रहे हैं कि नहीं जाना चाहिए, बेकार है, कॉन्ट्रेक्चुअल है, तो फिर आप उसकी प्रिपरेशन नहीं करोगे। तो वीडियो बनाने का पर्पज़ ये है कि आप सीरियसली प्रिपरेशन करें। ये जो पोस्ट है ये परमानेंट पोस्ट है। अगर कोई ये कह रहा है कि 5 साल बाद 3 साल बाद निकाल देंगे तो ये गलत है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि आपको 5 ईयर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाएगा। एडवर्टीजमेंट में ये भी मेंशन है कि अगर आपका जो परफॉर्मेंस है वो ठीक नहीं रही, आपका बिहेवियर ठीक नहीं रहा, आपसे गलतियाँ हुई या कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपको निकाला जा सकता है, पर निकाल देंगे ये बात गलत है। देखो, जनरली ये लिखा रहता है उनके राइट्स के लिए, बस ऐसा कहीं नहीं होता है कि आपको निकाल दिया जाता है। वो अलग बात है कि आप स्टेशन कंट्रोलर हो, अगर आप किसी और ही दुनिया में हो और ट्रेन ठुकवा दिए आप, फिर इस टाइप की हरकतें करोगे तो यू हैव टू डिजर्व कि आपको वहाँ से निकाला जाए, मगर आपकी परफॉर्मेंस ठीक रहती है तो आपको नहीं निकाला जाएगा। अब मैं ये आपको समझाता हूँ कि ये जो प्रोवेशन वाला पीरियड है और कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है ये हैं क्या दोनों। पहले भी बताया था, एक बार फिर से कन्फर्म करता हूँ आपको। तो आपको 2 साल का प्रोवेशन पीरियड रहेगा जिसमें सैलरी आपकी कम रहेगी। सैलरी SETO के लिए मैं बताऊँ तो स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर 13 और सेकेंड ईयर 15,000, उसी तरीके से बाकियों में थोड़ा कम है। पोस्ट आपको पता ही है कौन कौन सी, SETO है, CRA है, मेंटेनर है, JEE है। तो सैलरी 2 साल जो है वो कम रहेगी। इसके बाद जो आपका कॉन्ट्रेक्चुअल वाला पीरियड है उस पीरियड में आपको सैलरी पूरा मिलेगी, सैलरी कम नहीं रहेगी, पूरी सैलरी, इन द सेंस कि आपको कुछ 55,000 से लेकर 60,000 के आसपास की सैलरी आपकी बनती है, तो आपको वो सैलरी मिलेगी। तो उस चक्कर में मत रहो कि ये सैलरी कंटिन्यूसली हमको 5 साल तक ये मिलती रहेगी, बाद में हमको निकाल भी देंगे। नहीं, बिल्कुल परमानेंट जॉब है, इस कफलत में नहीं रहना है। या कोई कह रहा है कि नहीं भाई निकाल देते हैं, ये है वो है, मेरे साथ वाला है, मेरे पहचान वाला है, तो उससे हाथ जोड़ लो। आपको जो करना है उसको सीरियसली करो, उस चक्कर में ना पड़ो। ये परमानेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है। ज्वाइंट वेंचर होता है जनरली, कहीं पर भी मेट्रो बनती है, सेंटर और स्टेट का ज्वाइंट वेंचर होता है, तो वैसे ही ज्वाइंट वेंचर के ये प्रोजेक्ट हैं, और ये परमानेंट और सरकारी जॉब है, ठीक है। कोई नहीं आपको निकालेगा। कंट्रेक्चुअल पीरियड हाँ बिल्कुल ये है, सरकार ने कुछ सोच समझ के, अब मैक्सिमम जगह आप देख रहे हो इस तरीके की चीज़ों का एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, क्योंकि लोग स्विच बहुत जल्दी करते रहते हैं, सरकार का नुकसान होता है उसकी वजह से। तो ये चीज़ें इसलिए मुझे लगता है किया जा रहा है कि जो लोग सीरियस होंगे, जिनको करना होगा वही आएंगे। ऐसा नहीं कि चलो 4 दिन सैलरी लिए फिर धीरे सा निकल लिए। कई सारे जगह आपने देखा होगा कि बॉन्ड भी पे करना होता है, यहाँ पे भी है, तो वो सारी चीज़ें हैं। बट स्टिल ये परमानेंट जॉब है और गवर्नमेंट जॉब है, ये मैं कई बार बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने देखा ग्रुप में भी आप डिस्कशन कर रहे हो और मुझसे भी पूछ रहे हो। SETO की जो पोस्ट है उसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल, इसके बाद साइकोमेट्रिक टेस्ट होगा, उस पर मैंने वीडियो बनाया हुआ कि साइकोमेट्रिक टेस्ट पे आपसे क्या क्या पूछेंगे। तो आप डिमोरलाइज नहीं हुई है, अगर आप सेलेक्ट हुए हैं तो थोड़ा सीरियसली पढ़ लो, एक स्टेप ऊपर आए हो तो यहाँ से पीछे स्लाइड करने की कोशिश ना करो, आगे बढ़ने की कोशिश करो। दूसरे क्या कहते हैं नहीं कहते हैं उस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर कोई अच्छी चीज़ कहता है तो बिल्कुल ध्यान देना भी चाहिए, बट इस तरीके की चीज़ें कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये कुछ नहीं है। स्टार्टिंग में सैलरी को लेकर डाउट था कि ये जो कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड है इसमें फुल स्केल मिलेगी कि नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने इंटरव्यू भी किया उस लड़के का जो जॉब कर रहा है। वो इंटरव्यू आपको लास्ट में मिल जाएगा, कई लोगों ने देखा भी है, मैंने शेयर भी किया हुआ टेलीग्राम चैनल पे भी। तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, 2 साल के बाद जो आपके पे स्केल होती है वो मिलना स्टार्ट हो जाती है। तो कोई प्रॉब्लम वाली जॉब नहीं है, आप फोकस करके पहले सलेक्शन ले लो, नहीं तो इन चक्करों में पढ़ के पता चले कि सलेक्शन ही ना हो, ऑप्शन ही नहीं है। अरे ऑप्शन तो तब रहेगा ना जब आप सेलेक्ट हो गए और फिर आपसे पूछा जाए कि भाई आप जॉब करना चाहते हैं नहीं करना चाहते हैं, तब डिसाइड कर लेना क्या करना है, कि आपको क्या प्रोवेशन पीरियड 2 साल का ठीक लग रहा है नहीं, कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड 5 ईयर का ठीक लग रहा है नहीं लग रहा है, नहीं लग रहा है छोड़ देना, ठीक है। तो होप्स हो कि मैंने आपके डाउट्स क्लियर किए होंगे। स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, और प्लीज़ ये नहीं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, जो भी आपके सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं बहुत भारी नहीं होता है, ठीक है, लेके जाओ, जो जो डॉक्यूमेंट्स वो मांगेंगे आप उनको दे देना है। जनरली होता क्या, आपका 10th से लेके जो भी डिग्री है उसके तक आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है। इसके बाद एक ID प्रूफ चाहिए होता है जो ये बता पाए कि ये आप ही हो या और ये आप ही की मार्कशीट है। डेट ऑफ बर्थ के लिए
जो 10th का आपका मार्कशीट या सर्टिफिकेट है जहाँ पे भी वो मेंशन होता है उसी को कंसीडर कर लेते हैं। डोमेसाइल आपको ले लेना है, आपको अगर आपने कैटेगरी क्लेम किया हुआ है तो आपके जो कैटेगरी का सर्टिफिकेट है वो ले लेना है। कोशिश करना है बहुत ज़्यादा पुराना ना हो, वैलिडिटी ख़त्म नहीं हो, अगर ख़त्म हो गई हो तो बनवा लेना है, बनवा के लेके जाना है। ऐसा भी नहीं कि एकदम से बन नहीं पाएगा तो आपको भगा ही देंगे, हाँ आपको टाइम मिलता है, एफिडेविट आपसे भरवा लेंगे, बट आपको टाइम मिल जाएगा। बट ऐसी चीज़ें नहीं करना है जहाँ से चांस है कि आपको डिसक्वालीफाई किया जा सकता है, क्यों करना है? अगर आप कर सकते हो उसको सही तो सुधार करके जाएं। तो सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाएं, एक अटेस्टेड कॉपी भी लेके जाएं, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी, सारे डॉक्यूमेंट्स का जरूर करवा लें आप कि कहीं पर अगर रिक्वायरमेंट होती है तो दे देना है। अब ऐसा नहीं कि नहीं लेके जाओगे, अगेन वो बोलेंगे आपसे करने के लिए, आप वहाँ पर परेशान हो, उससे अच्छा पहले से करके जाओ। मेडिकल के बारे में मैंने पहले बता दिया आपको, भूखे पेट उखे पेट का ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन नहीं है, तो आप खा पी के आराम से जाओ, कुछ लेके भी जाओ, ठीक है टाइम लगेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी चीज़ें एज टीज रहने वाली हैं, स्टिल आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, या फिर मुझे आप पर्सनल मैसेज एज यूजुअल जैसे आप करते हो कर सकते हो। चलिए, जय हिंद।